Hi all, welcome to my channel Rebound Fitness. आई एम अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड योर हेल्थ कोच मीतू मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोगों के घर में जब हम लोग दही जमाते हैं ना तो हम लोग क्या चीज़ उसमें ऐसी ऐड करते हैं जो ना सिर्फ हमारा मेटाबॉलिज्म भी अच्छा रखता है बल्कि इम्यूनिटी भी स्ट्रोंग करता है हेल्दी स्किन करता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है और उसके और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से दही जमाते हैं आप लोग भी प्लीज़ उसी तरीके से जमाइएगा नेक्स्ट आप कभी भी दही जमाते हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको अपनी बॉडी में खुद पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे ठीक है तो एक बार आप ये रेसिपी देखो मैं किस तरीके से यहाँ पे दही जमाती हूँ सबसे पहले आप यहाँ पे मिल्क लोगे ठीक है अगर आप वेट लॉस पे हो तो आप लो फैट मिल्क ले सकते हो लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए दही जमा रहे हैं या आप वेट मेंटेनेंस पे हैं या मतलब आप नॉर्मल आप वेट लॉस पे भी नहीं है या नॉर्मल आप ऐसे ही यूज़ करते हो अपने कर्ड को तो आप फुल क्रीम दूध बिल्कुल ले सकते हो ठीक है मैंने यहाँ पर डेढ़ लीटर दूध लिया है दूध आपका हल्का गुनगुना होना चाहिए जिस तरीके से नॉर्मल हम लोग दही जमाते हैं अपने घर में उसके बाद हम यहाँ डालेंगे पाँच से छः किशमिश धुली हुई इनको सोक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बस आप जब दही जमाने जाएंगे तब ही डाल दीजिएगा इसमें धोकर इसको और फिर इसमें डालेंगे हम कर्ड उसके बाद हम अच्छे से इसको स्टर करेंगे ठीक है अच्छे से मिलाने के बाद इसको ढककर रख देंगे ये एक रेगुलर प्रोसेस है इसी तरीके से सब लोग दही जमाते हैं बहुत इजी प्रोसेस है ठीक है बस हम जो यहाँ पे किशमिश ऐड किया है उसके अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदे हैं लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं आपको ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं ढूंढना है कि जब आप अपना मील लेके बैठोगे उसी टाइम आप दही में ऊपर से तीन से चार किशमिश डालोगे और आप उसको ले लोगे उसका कोई फायदा नहीं होगा जिस तरीके से जब हम चाय बनाते हैं चाय पत्ती चीनी अदरक जो भी हम डालते हैं उसको अच्छे से पकाते हैं और उसके बाद हम इसको चाय को पीते हैं उसी तरह इसका भी नॉर्मल प्रोसेस है जब आप दही जमाएंगे उसी टाइम आपको ये किशमिश डालना है बिकॉज कर्ड एक्ट एज अ प्रोबायोटिक और रीजन्स में हम सबको पता है कि फाइबर बहुत ज़्यादा होता है एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक ठीक है तो दोनों का कॉम्बिनेशन जब ये मिलता है तो आपको ये फायदे होते हैं सबसे पहला जिस तरीके से कोविड का टाइम चल रहा है तो इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोगों को होती है स्पेशली उन लोगों को होती है जो पोस्ट कोविड अपने आप को रिकवर कर रहे होते हैं तो ये आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रखेगा इट्स गुड फॉर योर स्किन ये आपकी स्किन को ग्लो करेगा वेट लॉस के टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा यू नो हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता है तो ये आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा आपकी बीपी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करेगा डायबिटिक लोगों के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बोन्स और जॉइंट्स में जिनको पेन रहता है या यू नो बोन्स और जॉइंट्स जिनके बहुत अच्छे काम नहीं करते अगर वो लोग इसको लेते हैं तो उनको लिए बहुत अच्छा है बढ़ते हुए बच्चों के लिए या जो बच्चे टॉडलर्स हैं या और थोड़े बच्चे बड़े होते हैं उनकी मील में कई बार क्या होता है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा पाता है तो अगर आप उनको एक कटोरा अच्छा ये दही खिलाएंगे दिन के टाइम पे तो ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा उनकी बोन्स के लिए उनकी टीथ के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए उसके अलावा ये जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जिन भी लोगों को लैक्टॉस एलर्जी है या जो इनको अर्थराइटिस है आप इसका कंजम्पशन थोड़ा थोड़ा करके लेके देखिएगा जैसे तीन से चार चम्मच ले लिया दिन के टाइम पे, ठीक है उसमें आप थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च क्रश करके डालिएगा ठीक है आपको नमक इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करना है है, बस ये भुना हुआ जीरा काली मिर्च करिए मिक्स किया और आप उसको अपनी मील के साथ ले लीजिएगा ये आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रखेगा आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा और सबसे बड़ी बात आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखेगा अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आपको वेट लॉस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी तो अगली बार जब आप अपने घर में दही जमाएं तो प्लीज आप इस तरीके से जमाइएगा और एज आई सेड प्लीज़ शॉर्टकट मत कीजिएगा जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया है इसी तरीके से दही जमाइएगा और ये सभी फायदे आपको बहुत कम टाइम में आप फील करेंगे ठीक है तो जिसकी जो भी इश्यूज़ हैं वो धीरे 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 करके रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी बट सिर्फ जिनको लैक्टोज एलर्जी है और जिनको अर्थराइटिस है वो थोड़ा इसका कंजम्पशन धीरे धीरे करके देखें कई बार क्या होता है जिनको लैक्टोज एलर्जी होती है या जिनको अर्थराइटिस होता है कई बार उनको जैसे वेदर चेंज होता है या कर्ड्स उन लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है सो अगर आपको थोड़ा भी इशू लगता है आप इसका कंजम्पन बंद कर सकते हो लेकिन अगर आप इसको थोड़ी क्वांटिटी में लोगे तो ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं देगी इसको लेना कब है दही को आप कोशिश करो कि 12 से 4 के टाइम में आप कभी भी ले लीजिए अगर आप वेट लॉस पे हो आप अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा कर लेते हो हैवी करते हो और दिन में आप कुछ नहीं खाते हो देन सिर्फ आप शाम को कुछ लेते हो तो वो ये टाइम गैप जो है सबसे पहले तो आपको अवॉइड करना चाहिए और उस टाइम पे आप एक फुल बोल जो है आप इस दही का खाइएगा भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डालकर ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट uh, को हाई करने में बहुत हेल्प करेगा और वेट लॉस में जितना भी कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है या ब्लोटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको भी रिजॉल्व करेगा आपके इंच लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपको वाटर रिटेंशन भी बिल्कुल नहीं होने देगा ठीक है सो so, प्लीज़ ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं आप लोगों के साथ बहुत इजी और क्विक रेसिपीज़ शेयर कर पाऊँ जिससे आप लोग भी अपना वेट लॉस बहुत जल्दी कर पाएँ थैंक यू